पहली दो वीडियोस देख लीजिए जिस पे मैंने साइन अप किया और अकाउंट वेरीफाई कराया। ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में प्रीवियसली मैंने जॉब बोर्ड दिखाया था। इस डैशबोर्ड में अगेन दे आर ट्राइंग टू सेल देयर पैकेजेस। और एक सवाल जो मुझे तंग कर रहा है वो ये कि इसमें अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि बैंक इन्फॉर्मेशन, अगर मैंने पैसे कमा लिए freelancer.com पे, तो वो मैं कैसे अटैच करूँगा। तो मैं क्लिक करता हूँ फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे। फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद कोई अजीब सी, कोई पता नहीं, बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का इन्होंने कुछ स्टेटमेंट, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर होता है उस तरह है। बट एनीवेज आई एम गोना क्लिक ऑन विड्रॉल्स, क्योंकि मुझे तो पैसे विड्रॉ करने से ताल्लुक है, बाकी किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। और अगर मैं विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन मेरी अर्निंग्स कितनी हैं, अदर इनकम, और लेफ्ट साइड पे आप पॉपअप जो देख रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है मुझे लगी है कि आपको नए प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जो आपकी स्किल और कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, तो मैं अगर न्यू विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे इस जगह पे ले आता है। तो आप जो नए फ्रीलांसर्स हैं जो परेशान हो जाते हैं कि जनाब freelancer.com पे हम अपना विड्रॉल इन्फॉर्मेशन कैसे अटैच करें, वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपना पूरा अकाउंट सेटअप नहीं करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो 30% कंप्लीट है, कहता है अपडेट करो अकाउंट। मैं एक दफ़ा अपडेट करके देख ही लूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, देखने में क्या हर्ज है ना। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट कर रहा हूँ, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कंपनी मेरी जिन्होंने स्पॉन्सर किया मैं उन्हीं का नाम लूँगा ना, जाहिर है ना, एशिया कराची रहने देता हूँ, उसने खुद सेलेक्ट किया हुआ है। लोकेशन मेरी वो गलत सेलेक्ट कर गया और कहता है कि अलाउ करो। मैं क्यों अलाउ करूँ भाई साहब, मैं सीधी तरह इस्लामाबाद लिखता हूँ और देखता हूँ कि पॉपअप में मुझे देखता है कि नहीं देता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद DHA एक्सप्रेसवे, चलें जी ये दे देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन हो गई, आप अपना एड्रेस पिन करके डाल दीजिएगा। लैंग्वेजेस कहता है कौन कौन सी आती हैं, मुझे तो भाई फिलहाल, और ये आई थिंक दीज आर एडिशनल लैंग्वेजेस, सो आई डोंट नीड टू इवन टच दैट। English is fine. It's already pre-populated. So I'm going to save this. And alongside saving this, I'm going to actually also populate the phone number. So set up a security number. And let's see how it goes. So phone number is Pakistan. Ye code aa gaya mere samne jo maine likh diya. I'm now going to click on verify code. Wo kehta hai, bahut shukriya aapne apna jo hai wo verify kara diya phone number. Ab yahan पे बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ईमेल एंड नोटिफिकेशन में आई एज्यूम मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने साइन अप करते हुए डाली वही है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग देयर न्यूज़लेटर एंड देयर ईमेल्स, सो आई एम नॉट गोना टच दैट। मेंबरशिप में क्या है, मेंबरशिप मेरी फ्री है, तो वो कहता है कि आप एलिजिबल हैं फ्री प्लस मेंबरशिप के। और मुझे पता है होशियारी क्या है, जब मैं क्लिक करूँगा तो कहेगा पहले कार्ड एक दफ़ा अटैच कर दो और उसके बाद जो है वो मेंबरशिप फ्री मिल जाएगी। सो आई एम नॉट गोना डू दैट। पासवर्ड इज ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन पेमेंट इन फाइनेंसेस। इट सेज ऐड पेमेंट मेथड, और फाइनेंस सेटिंग्स में वो कहता है कि जनाब आप अपना US डॉलर बताएं, और अगर आपका इनवॉइस क्रिएट करें तो उसमें टेक्स टाइप और ये सब कुछ। आई एम नॉट गोना टच दैट। तो मैं क्लिक करता हूँ पेमेंट मेथड पे, और उसके बाद फिर वही बात, ऐड अ वेरीफाइड पेमेंट मेथड, या तो मैं पेपैल अपना यहाँ पे पॉपुलेट करूँ या फिर मैं ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड डालूँ। मैं अभी भी यहाँ पे अपना टाइम नहीं ज़ाया करूँगा क्योंकि मुझे देखना है कि इसके अलावा freelancer.com पे क्या और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी अपनी बैंक या फिर अपना पेयोनीर या स्क्रेल या वेस्टर्न यूनियन, कोई तो इन्फॉर्मेशन होती होगी ना, तो देखते हैं उसको। अकाउंट सिक्योरिटी जनाब वो बेसिक अकाउंट सिक्योरिटी है, ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं freelancer.com पे। अगर मैं अपना फेसबुक कनेक्ट कर दूँ, मैं अपना लिंक्डइन कनेक्ट कर दूँ, मैं अपनी आईडी यानी कि
शिनाख्ती कार्ड अटैच कर दूँ, और फिर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 45 पॉइंट्स, इनको बहुत शौक है मेरा एज अ फ्रीलांसर क्रेडिट कार्ड अटैच करवाने का, तो उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स रिडीम हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे आगे काम आते हैं, जो शायद बिडिंग पे काम आते हों, जो शायद मेंबरशिप में काम आते हों. सो आई एम नॉट गोना टच दैट बिकॉज मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि freelancer.com बेसिकली वर्क कैसे करती है. सो इस वीडियो पे मैं यहीं तक रुकूंगा. अब मैं दोबारा जाऊंगा विड्रॉल पे और देखता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन पैसे विड्रॉ करने के लिए कैसे अटैच होती है.